माई ब्यूटिफुल सोल्स, वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी शादी किससे होंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू से और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ मतलब होल डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ, आपका डेट, आपका ईयर, सब कुछ ऐड कर कर जो नंबर आएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 11 आया तो आप 2 देखेंगे। ओके, सो जो पाइल में है आप उसे अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और इंट्यूटिवली कार्ड से भी। ओके, मैं स्क्रीन शॉट डाल दूँगी टाइम स्टैम्प पे जो व्यूअर्स इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए। ओके, एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। मैं थोड़ी कार्ड आपको क्लोजली दिखा देती हूँ। नंबर 147, ओके, एंड ग्रुप नंबर 1, ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, 258, ओके। ग्रुप नंबर 3, 369, थैंक यू, एंड विद दिस कार्ड। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप नंबर 1, आपकी शादी किससे होंगे। ओके, डेट ऑफ बर्थ 147, होल डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर जो एक नंबर आएंगे, मंथ, ईयर एंड डेट। ओके, एंड अगर आपने कार्ड से चूज़ की है, वाओ, लुक दिस डिवाइन कपल एंड सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस, दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली इन स्पिरिट। हो सकता है आप अभी नहीं मिले होंगे, बट कहा जा रहा है कि फिजिकली वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। लुक दिस, बिलीव दिस, दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली एंड वो आपके भीतर ही है, मतलब इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। आप उनको सपने में देख सकते हैं, कुछ आभास मिला, जैसे समथिंग वो होता ना कि हवा में भी वो बातें कर कर चले गए कुछ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जैसे सपनों के थ्रू से, साइन के थ्रू से मिल सकते हैं एंड आप मैनिफेस्ट करें, यानी ये काम करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 1, आपकी फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू। लूनर एक्लिप्स, कल्मिनेशन, रिलीज एंड इल्यूमिनेशन। लूनर एक्लिप्स कार्ड आई है, तो ये टाइम फ्रेम जब लूनर एक्लिप्स होते हैं। ओके, ये टाइम फ्रेम आपके लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए मुलाकात की, फर्स्ट मीटिंग की एक टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम में बनेंगे लूनर एक्लिप्स जब होंगे। ओके, बट ए पर्सन लाइफ में जब कुछ रिलीज करा या फिर आप कुछ रिलीज करेंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में, क्योंकि एक्लिप्स होने का मतलब ये अननेसेसरी इमोशनल रिलीज एंड जो प्रोसेस यहाँ पर इनकी चल रही है वो आपका भी होगा। थोड़ी मिरर सोल का एनर्जी आ रही है। एंड वर्गो, एनालिटिकल, फंक्शनल, एफिशिएंट, दिस पर्सन विल बी वर्गो। ओके, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, बट वर्गो 6th हाउस का एनर्जी आ रही है। ये पर्सन हो सकता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, ट्रेनर हो सकते हैं, ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, इवन मैनेजर हो सकते हैं पर्सन, थैंक यू, बिजनेस कंसल्टेंट हो सकते हैं पर्सन। दिस पर्सन विल बी आर्किटेक्ट, सजिटेरियस, एडवेंचरस, फ्री एंड फिलोसॉफिकल। दिस पर्सन विल बी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका परिवार में एक नाम यश प्रतिष्ठा है, पर लिटिल सजिटेरियस जो होता है ना, थोड़ी फ्री एनर्जी है, थोड़ी फ्री स्पिरिट टाइप एनर्जी है, ऑलवेज एक्सप्लोर करने में बिलीव करते हैं। इनकी ओवरसीज जर्नी हो सकती है या फिर ऐसी डिग्रीज वगैरह हो सकते हैं इनके पास। ओके, फिलोसोफर टाइप, फिलोसोफर गाइड, ओ माय गुडनेस, दिस वर्गो एंड 6th हाउस अगेन, ओ वर्क, सर्विस, हेल्थ, हेल्थ डिपार्टमेंट, ऐसा काम करेंगे समाज का कल्याण हो, टीचर बनकर, डॉक्टर बनकर, नर्स बनकर। ओके, देखते हैं, थैंक यू। सोशल वर्कर, इवन 6th हाउस एस्पेक्ट, प्लैनेट्स 12th हाउस को देखते हैं, लाइट वर्कर, दिस इज़ प्लानिटरी रिटर्न। ओके, सैटर्न रिटर्न मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, सैटर्न रिटर्न, होम कमिंग प्रोग्रेस, सैटर्न रिटर्न, सैटर्न रिटर्न, लूनर एक्लिप्स, ये इंपॉर्टेंट होंगे, ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होंगे इस पर्सन के साथ आपकी, मतलब इस ऑरा के क्लोज में आने में। ओके, देखते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनकी पर्सनैलिटी देखते हैं कैसे होंगे, थैंक यू। टीचर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट ये पर्सनैलिटी है, मतलब ये अगर टीचर नहीं भी हुए, अगर आर्किटेक्ट भी है,
फिर भी मतलब यू नो इनका भूमिका आपके जीवन में एक फिलोसोफर, गाइड, मेंटर, गुरु के जैसे होंगे। इनके पास नॉलेज है माइंड, इनके पास नॉलेज है ओके। एंड एल्केमिस्ट, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट की बात करें यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेस मोटिव्स एंड गोल्स इनटू गोल्डन विजडम, नॉलेज बहुत है माय डियर। इवन मान लीजिए किसी का घर में अचानक से कुछ बीमारी वगैरह हुई है, तो ये पर्सन ना होम DIY जो होता है ना, तुरंत वो टोटका जिसको कहते हैं ना, ये निकाल कर लेकर आएंगे, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे उस चीज़ में, एंड ये काम भी कर जाता है। मतलब पेड़ पौधे इनसे जुड़ी नॉलेज भी इनका बहुत है, केमिकल्स ओके। थैंक यू, दिस इज़ मीरस एंड माइजर। ए पर्सन धूल को भी अगर छू दे ना तो ये सोना बन जाएगा। इनके हाथों की खाना भी बहुत यू नो टेस्टी बनते होंगे, मतलब गोल्डन टच इनका क्राफ्ट्समैन में यू नो क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी। ऑर्डिनरी चीज़ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ एल्केमिस्ट भी बनाते हैं, मीरस माइजर की एनर्जी में वो है। बट ए पर्सन ना थोड़ी रिलीज करने में इनको दिक्कत होती है। ए पर्सन नो डाउट बिकॉज सजिटेरियस आई है, इज़ अ वेरी हम्बल, बहुत चैरिटेबल पर्सन होंगे, ओपन माइंडेड होंगे, सबसे बड़ी बात जो है। बट एक चीज़ों का दिक्कत है, ये अपने दुख दर्द किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। एंड इवन ये जब आपके साथ भी मिलेंगे ना, आप मिल रहे हो तो आपको लगेंगे कि ये पर्सन बहुत कुछ छुपा रहा है, बहुत कुछ हिडन है इसके भीतर, एंड आप उसको फील कर पाएंगे ग्रुप नंबर वन। बट आप जब इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने लगेंगे ना, तो आपको लगेंगे दिस इज़ द बेस्ट, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, देखते हैं। थैंक यू स्प्रिट गाइड। इनकी प्रोफेशन भी देखेंगे, इनमें इनिशियल्स देखेंगे इनके लिए, ऑक्यूपेशन ओके, काम बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती। दिस इज़ थॉट एंड लुक दिस क्रिएटिव पर्सन एंड बहुत ओवर थिंकर टाइप। एंड जब आप इनके साथ मिल रही हो, ये पर्सन 777777 आपको दिखाई दे सकते हैं, 77 कार्ड आई है, ये विद इन 7 months हो सकता है कि एनर्जी हो, विद इन कुछ व्यूअर्स के लिए विद इन सेवन वीक्स इस पर्सन के साथ आप मिलेंगे। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, ये पर्सन के साथ आप जब मिलेंगे ना, दिस इज़ द सेम लेडी हियर, दिस इज़ द सेम लेडी, ये बहुत आपको लेकर सोचने लगेंगे। यू नो अगर इनके पास ऑप्शंस भी हो, ये कहीं ना कहीं आपके पते एक स्ट्रेंज एंड स्ट्रांग अट्रैक्शन फील करेंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव। जर्नी, देखिए जर्नी कार्ड आई है इस पर्सन को, हो सकता है इस पर्सन के पास थोड़ी वो ट्रांसफरेबल कुछ ऐसे जॉब हो, और इनकी इनको काम की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में घर से दूर रहना पड़ता है, तो ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस आ रही है, ट्रैवल जुड़ी है इस पर्सन के साथ, ये विदेश में है या फिर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट है, एंड उसको थोड़ी ये जर्नी इनकी लाइफ में है ओके। मतलब ये पर्सन ट्रैवल करता है, करना पड़ता है बिकॉज ऑफ हीज और हर ऑक्यूपेशन वर्क फील्ड, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो लॉन्ग डिस्टेंस से पर्सन आ रहा है ओके। लेट्स सी, थोड़ी और देखते हैं क्या वर्क फील्ड से ये बिलोंग करते हैं ओके। दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ शॉर्ट्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटेकल्स। ये पर्सन ऐसा काम करते हैं जहाँ पर मार्केटिंग जुड़ी हुई है, मार्केटिंग इन द सेंस मान लीजिए जो MBA वगैरह करने के बाद जो जॉब होते हैं ठीक है, बहुत प्रेशर है बिकॉज ऑफ एट ऑफ शॉर्ट्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। मतलब कभी कभी इनको लगता है कि काम काज छोड़कर चले जाओ, एंड बर्थ प्लेस से पर्सन दूर ही है, ये पर्सन बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम करना पड़ता है। देखिए जिनका मतलब जन्म एक जगह पर हुई है, उसी जगह पर उसको काम मिल गई, तो ये बहुत नॉर्मल है। बट ये पर्सन जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये पर्सन इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हो सकते हैं, इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर से, बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है मार्केटिंग MBA वगैरह जो होते हैं, मतलब किसी बड़ी कंपनी में इनका काम काज हो सकता है। इट्स लाइक ए सेलर, यू नो एक बड़ी किसी चीज़ यू नो फील्ड में सेलर का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं, दो मतलब दो पार्टी के बीच जो मीडिएटर होते हैं, उस टाइप की वर्क फील्ड हो सकता है। आर्किटेक्ट हो सकता है पर्सन, ऑर्डिनरी चीज़ों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो बनाते हैं, जो आर्टिस्ट हो सकते हैं, माइक्रो आर्टिस्ट हो सकते हैं पर्सन ओके। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच स्प्रिट गाइड। आप देखेंगे मेजर एनर्जी सन ओके। दिस पर्सन मतलब जैसे मेडिटेशन की पोजिशन में है, सिक्स्थ हाउस का भी एनर्जी आया हुआ है पर्सन, मेडिटेशन योगा वगैरह तो करते हैं, ट्रेनर वगैरह भी हो सकते हैं, बट यश प्रतिष्ठा जिस भी फील्ड में रहेंगे ये नाम कमाएंगे, यू नो मतलब परिवार वाले इनको लेकर बहुत प्राउड फील करेंगे, आप भी।
एंड बहुत सेल्फ एस्टीम एनर्जी है, खुद का काम खुद करना पसंद करते, बहुत ज़्यादा हाथ फैलाना मदद कर दो भाई ऐसा एनर्जी नहीं है, थोड़ी ईगो इशू है। दिस इज सिक्स ऑफ मेटेरियल्स, मनी इनके पास भरपूर मात्रा में होंगे, बट मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि शुरुआती दौर में मनी जितना होगा उससे कहीं ज़्यादा लेटर, मतलब जितना एज बढ़ेगा उसके साथ आएंगे, मतलब परिवार ट्रेडिशनल है बट इनके माता पिता ने बहुत स्ट्रगल की है मनी के लिए, तो इन्हें कोई ऐसा जॉब मिले जो बहुत ज़्यादा वो खामियाँ दूर करें मनी रिगार्डिंग। ओके एंड ये एनर्जी रेसिप्रोकेट करेंगे, जिस तरह से एक दूसरे को वो देख रहे हैं, जैसे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो जितना आप देंगे वो उतना ही फीडबैक ये पर्सन लौटा कर आपको दे रही है। ओके नेक्स्ट पेज ऑफ वॉइसेस, दिस इज पेज ऑफ शॉर्ट्स। मुझे ये एनर्जी टेक्नोलॉजी फील्ड से या फिर केमिकल जैसे मैं आपको बोल रही थी, या फिर सोशल मीडिया का कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है ए पर्सन। पेज ऑफ वॉइसेस स्टूडेंट की भी एनर्जी आ रही है, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि टीचर एनर्जी आया हुआ है, टीचर वर्क फील्ड साइंटिस्ट स्कॉलर टाइप एनर्जी आ रही है, मतलब नॉलेज है इनके पास। पेज ऑफ वॉइसेस वेरी शार्प माइंड पर्सन, आप दोनों के बीच एज डिफरेंस होंगे, ये पर्सन आपसे आप डिपेंड करेंगे, मतलब एज डिफरेंस, मतलब अगर आप मेल है तो ये आपसे काफ़ी छोटे हैं। ओके अगर आप फीमेल है तो ये आपसे सीनियर है, मतलब आपसे छोटा है, अगर आप फीमेल है यानी लड़का है आप देख रहे हो पति के लिए तो छोटा है ऐसा नहीं है। ओके मतलब एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, देखते हैं। दिस इज अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होंगे, लव एट फर्स्ट साइट हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। दिस कुड बी द वन, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं अपनी पार्टनर से, कुछ व्यूअर्स बहुत कम सेक्शन, मतलब 10-15%, मेजोरिटी शायद नहीं मिले होंगे, बिकॉज फर्स्ट कार्ड यहाँ पर मतलब जो सोलमेट का एनर्जी आई थी वो कह रहा है कि अभी भी एनर्जी स्प्रिट में है, फिजिकली मैनिफेस्ट हो रही है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर, ये वैसा रिलेशनशिप है जब घर में पति लौट कर आ रही है या फिर आप दोनों ही घर में काम करते हैं, लौट कर आ रही है बाहर से, पूरी दिन में जो हुई है आप सब कुछ शेयर करते हैं, बड़ी कोई विरक्ति नहीं है, एक दूसरे आप सब कुछ बता रहे, एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा ही रिलेशनशिप होंगे, देखते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, लुक दिस, किस तरह से एक सेम पा, दोनों का लाइफ पर्पस सेम है, एंड दिस इज स्प्रेड गाइड जो यहाँ पर आपकी यूनियन को जैसे वो कंट्रोल करेगी, किस तरह से मिलेंगे, सब कुछ उनके हाथ में, वह प्लान है, आप दोनों का मिलना तय है, डिस्टाइंड कपल जिसको कहते हैं, एंड ऑलरेडी आप मिल, मतलब ऑलरेडी जैसे पास्ट में भी आप मिल चुके हैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, क्योंकि ये रोड बड़ी लंबी है, जिगजैग हो सकते हैं बट बड़ी लंबी है, जैसे पास से आ रही है। नेक्स्ट अबंडेंस, ये डेफिनेटली फाइनेंस की बात करें, पर्सन हो सकता है काफ़ी रिच होल दी फैमिली से, बट ये कार्ड को मैं देखती हूँ कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जी, यू नो आप दोनों ही काफ़ी अबंडेंट है, आप अबंडेंट फील करें, बहुत सेटिस्फाइड है, प्रॉस्पेरस है। ओके एंड एक दूसरे के लिए लगेंगे वरदान है, ये रिलेशनशिप एक वरदान है, ब्लेसिंग्स है। थोड़ी इनिशियल्स देखेंगे, थैंक यू सो मच, देखते हैं इनिशियल्स, मैं क्लोज के आपको दिखाऊंगी। ओके रूप नंबर 1, 1147 आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है 1147 एंजल नंबर, माय गुडनेस। ओके ओ जेड, कोई शब्द अगर फॉर्म हो रही है देखेंगे, जेड एच टी, ओके एन, थैंक यू हेना, ओके ENT स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, थैंक यू ए पर्सन, मतलब इंट्रोवर्ट है, आई लव यू बोलने में भी इनको मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 18 एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से, नेट सोशल मीडिया, ओके दिस इज इनिशियल आपकी पर्सन की। ओके मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं फ्यूचर स्पाउस, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। आई डोंट नो बट मुझे थोड़ी बार सारी ग्रुप नंबर 2 आप 3 से अट्रैक्टेड थे, जो इंट्यूटिवली पाइल चूज करते हैं। मुझे 1 पे उतना वाइब्स नहीं आई बट ग्रुप 2 पे थोड़ी वाइब्स आ रही, अब 3 के साथ अट्रैक्टेड थे इंट्यूटिवली। अब बात करते हैं 258, अगर आपकी
डेट ऑफ बर्थ होल, मतलब डेट मंथ ईयर को ऐड कर जो नंबर आएंगे उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 258 में से है। एंड अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ की हैं, लुक दिस, माय गुडनेस, ही इज़ क्राइंग, डजेंट मैटर ही और सी बट क्राइंग, एंड सभी मतलब जो आँख से जो आंसू आ रहे हैं ना वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव, वल्नरेबल, हम्बल, नो डाउट वेरी हम्बल, बट बहुत सेंसिटिव, नाजुक टाइप एनर्जी है नो। देखते हैं रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे, आप दोनों ही शायद डिनाइल के मोड में हो सकते हैं दोनों, या फिर जब रिलेशनशिप, देखिए ये मैरिज पार्टनर है तो शादी तो इनके साथ ही आपका होगा चाहे बैकग्राउंड में जो भी हो रही है, बट स्ट्रांगली मुझे भाई जब रिश्ता आ रही है या फिर घर वाले बातचीत कर रहे हैं, कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पर क्रिएट होगी मैरिज में, तो बीच में मैरिज को लेकर दोनों में ही एक मतलब रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का वो जो इनिशिएशन है वो नहीं उठाएंगे, बाद में कनेक्शन रिबर्थ रिस्टार्ट में आएंगे, एक रिबर्थ होगी, बट आप दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पाएंगे यू नो, एक स्ट्रॉन्ग वो एनर्जी, एंड दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे, दैट्स वाई ये रिबर्थ रिजरेक्शन होंगे यहाँ पर। ओके, देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। ये पर्सन ना दूसरों की बातें भी बहुत सुनता है। देखते हैं ग्रुप नंबर टू, फ्यूचर स्पाउस कैंसर, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड एनर्जी है कैंसर, नर्चरिंग, सेंसिटिव एंड केयरिंग, बट बहुत केयरिंग नेचर कैंसर तो होते ही हैं, माँ की एनर्जी होते हैं, वेरी वेरी लाइक मदरली। ओके, गाया, माय गॉड, अर्थ नेचर एम्बॉडीमेंट। ये पर्सन खाना बनाना हो, अगर इवन मेल भी है तो घर का काम भी हो, घर को डेकोरेट करना हो, ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर फीमेल है फिर तो कहना ही नहीं है, होगा ही होगा, बहुत ही सुंदर तरीके से जो यू नो एक बेस्ट हाउस वाइफ जिसको कहते हैं वो बनाएंगे। इवन अगर हस्बैंड भी है तो ये पर्सन घर का जो स्त्रियों का काम है ये इसको उस लेवल पर देखता ही नहीं है कि कौन सा काम स्त्री का है कौन सा काम पति का है, मेल का है, बिकॉज कैंसर के साथ गाया कार्ड आई है माय डियर, मतलब इट्स वेरी केयरिंग एंड सॉफ्ट हम्बल एनर्जी। मार्स कंपटीशन एक्शन एंड विल पावर, देखिए सभी के लिए ये सेम, मतलब यहाँ पर दो सेक्शन आ रही हैं, आइदर दिस पर्सन विल बी वाटरी और फायरी, ये दोनों ही इनके चार्ट में एक साथ में नहीं होंगे। आइदर दिस पर्सन इज फायरी, मतलब मंगल का ऊर्जा बहुत है तो मिलिट्री आर्मी पुलिस फोर्स से हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए ये थेरापिस्ट हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, साइकोथेरापिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, टीचर हो सकते हैं, तो ये तीनों ही एक ही पर्सन की बात नहीं हो रही क्योंकि जनरल रीडिंग है। एंड सेक्सटाइल हारमोनी ईज एंड कंपेटिबिलिटी, आप दोनों के बीच ना मतलब एक इट लुक्स लाइक स्टार, मतलब एक पावरफुल कपल जिसको कहते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, एंड आप दोनों के बीच बाहर लोग देखेंगे इसके बीच कास्ट डिफरेंस है, लोग देखेंगे कि इनका स्टेटस का डिफरेंस है, बट आप दोनों बहुत कंपेटेबल होंगे अंदर से, घर के भीतर आप बहुत अच्छी तरह से कंपेटेबल होंगे, लोग देखेंगे कि आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, डजंट मैटर लोग क्या देखते हैं, तो आप दोनों के बीच कंपेटेबिलिटी मैच्ड होंगे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, दिस इज़ प्लूटो रीजनरेशन, यस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रीबर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे टाइम में ए पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है जहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, जॉब चेंज हो रही है, जॉब मिल रही है आपको, रिलोकेशन हो रही है आपको, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बड़ा कोई परिवर्तन आ रही है आपकी लाइफ में उस टाइम फ्रेम में, ये पर्सन कोई प्लानिटरी ट्रांजिशन हो रही है, एक महादशा छोड़कर दूसरी महादशा अंतर में कुछ आ रही है, तो दिस इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी चेंजेस लेकर आ रही है, कोई बड़ी महादशा खत्म हुई दूसरी महादशा आ रही है, तो एक ट्रांजिशन उस टाइम फ्रेम में हो रही है। मान लीजिए गुरु गई शनि आ रही है तो इस टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है क्योंकि गुरु का एक लंबा महादशा है, शनि जो आ रही है वो भी एक लंबा महादशा में आ रही है, तो जो ट्रांजिशन होते हैं वो टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट वेस्टा, यस इनर स्पार्क सैक्रिफाइस डिवोशन, वेस्टा को मैं हमेशा ही धूमावती जो माँ का एक रूप है, धूमावती बहुत प्योर, जहाँ पर एक मतलब एक काला कुछ एनर्जी वैम्पायर्स आसपास भी नहीं होगी, कुछ नेगेटिविटी, एंड ए पर्सन सैक्रिफाइस, मैं एक बोलते नहीं, जस्ट ही और सी इज़ क्राइंग बिकॉज परिवार के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने,
रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना हो, कंधे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मे बी बड़े घर का जो बड़े सन होते हैं या फिर यू नो डॉटर हो, मतलब सिबलिंग है, यू नो सिबलिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार का, मतलब माता पिता का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। तो ये हर चीज़ को मतलब सब कुछ निभाएंगे, यू नो रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीफुल पर्सन। लेट्स सी, देखते हैं इनका पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। थैंक यू। इनिशियल देखेंगे, एंड में पायनियर। ओके, पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग व्हाट हैज़ नॉट बीन डन बिफोर। कुछ ऐसा कुछ करना जो कभी किसी ने नहीं की है। तो इनकी एंसेस्टर पैटर्न को ब्रेक कर कोई काम काज करना खासकर हो सकता है। जैसे यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही मिलिट्री आर्मी पुलिस फोर्स, यहाँ पर लॉ रूल रेगुलेशन मेंटेन होते हैं, थोड़ी उस टाइप की एनर्जी। फायर फाइटर हो सकते हैं, यू नो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर होते ऐसे जगह पर एक पर्सन काम कर सकते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ए पार्टनर आपकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। दिस इज रिवल। यस, ये जहाँ पर भी जाएंगे, वो कहते हैं ना कि जिनमें रॉयल्टी होते हैं वो जहाँ पर भी जाएंगे अपना एक साम्राज्य बना लेते हैं। सो चैलेंज अथॉरिटी टू इफेक्ट सोशल चेंज, रिजेक्ट स्पिरिचुअल सिस्टम दैट डू नॉट सर्व इनर नीड्स। ये पर्सन, मुझे यहाँ पर दो सेक्शन स्ट्रांगली नज़र आ रही है। एक ग्रुप्स में एक पर्सन है जो बहुत सेंसिटिव केयरिंग है, दूसरे ग्रुप में एक पर्सन आ रही है जो बहुत वायलेंट है, यू नो कोई भी इनजस्टिस हो रही है तो उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं। आप इस पर्सन को देखेंगे सोशल मीडिया में, अगर कुछ भी हो रही है ना, सबसे पहले आवाज़ उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो ये बोल देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू नॉलेज, ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर का सीखना, एक रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी हो सकते पर्सन। बट ये पर्सन मतलब जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, स्टोरी टेलर होते हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए वो भी हो सकते हैं, जो सिखाएंगे जीवन में, यू नो सामने वाले को सिखाते जाएंगे, ये है उसके नीचे लोग काम करेंगे बिकॉज ऑफ रिबल एनर्जी। देखते हैं कुछ और कार्ड से। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। फ्यूचर स्पाउस, एक्सपेक्टेशन, आपकी मैरिज डिले होंगे, आप दोनों की मिलन थोड़ी डिले नज़र। नंबर 28, एज 28 इंपॉर्टेंट हो सकती है मैरिज। नेक्स्ट, दिस इज सडन वेल्थ। ये पर्सन आपकी लाइफ में सडनली आएंगे बिकॉज ऑफ मंगल एक एंड विद दिस सेक्सटाइल, ये दोनों रेवोल्यूशनरी, एक साथ में रेवोल्यूशनरी चेंजेस की बात करते हैं। आपको 777 11 ये नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, 10 11 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। ये पर्सन लाइफ में ऐसा काम करते हैं जो सडन वेल्थ लेकर आते हैं, जो होते हैं ना मनी इन्वेस्ट वगैरह करते हैं शेयर मार्केट में, जो ट्रेडर वगैरह होते हैं, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब ये वॉक फिल इनका हो सकता है। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं कह रही हूँ, 10 to 15% के लिए हो, शायद आप सिंगल मदर है या फिर फादर या फिर ए पर्सन है, कुछ व्यूअर्स के लिए। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन एंड मैरिज डिले होगा, मैरिज तो इनके साथ ही होगी बिकॉज मैरिज पार्टनर है ये आपका, बट मैरिज डिले है आपका। हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए 28-30 हो जाए, 28+3 ऐसी स्थिति में जाकर मैरिज हो रही है, लिटिल बिट डिले यहाँ पर आपकी पाइन में दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी इनकी थोड़ी प्रोफेशन देखते हैं। नाइन ऑफ वॉइसेस, 3 of Inspiration एंड 8 of Materials, मार्केटिंग से जुड़ी हुई काम कर सकते हैं, जो MBA करने के बाद जो जॉब वगैरह होते हैं। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए दिन रात एक ऐसा काम करना जिसके लिए यू नो मतलब मैं जैसा को बोलूँ मिलिट्री आर्मी पुलिस फोर्स, मतलब इनका ड्यूटी, यू नो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है काम की। इनका नींद भी ठीक तरह से इस काम की वजह से नहीं होती होगी, एक ऐसा प्रेशर इनके ऊपर है। 3 of Inspiration आ रही है, जो इनको हो सकते काम काज की वजह से काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रांसफरेबल जॉब हो सकता है इनके पास। ये पर्सन कुछ व्यूअर्स के लिए इनका मेन प्रोफेशन के साथ पैरेलली इनका और भी एक जॉब पैशन से जुड़े काम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पर्सन मिलिट्री आर्मी पुलिस फोर्स में है, तो सडन टाइम में इन्होंने काम को छोड़ दी एंड कोई नई बिजनेस वगैरह ओपन की, तो ऐसा स्थिति इनके साथ हो सकता है, सडन टाइम फ्रेम में जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में जाना। बिकॉज ऑफ दिस 3 of Wands कार्ड में जो एनर्जी है, एक न्यू डोर की ओर जा रही है, जो ऑलरेडी एक है उसको छोड़कर एक न्यू डोर, तो कैरियर चेंज हो सकते हैं इनकी, एक मिडिल एज में आकर एक कर रहे थे एक को छोड़कर दूसरी। मान लीजिए ये पर्सन शुरुआती दौर में बिजनेस करता था और आर्किटेक्ट थे, तो बाद में जाकर कोई दूसरे कोई काम कर रहा है यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति इनके साथ हो सकता है। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड।
टावर, ओके, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन लाइफ में आपको पहले बोल रही थी ना कि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, या आप मतलब यू नो कुछ ऐसे हादसा वगैरह, कोई मैरिज टूटा है, कोई ब्रेकअप वगैरह हुई है, देन जाकर मतलब फिर से ये मैरिज करना चाहते हैं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन, मतलब लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन इनके पास बहुत है। जैसे सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है इनके पास, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी ये पर्सन ना मुस्कुरा के सब चीज़ों को, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसकी भाड़ में ना लोगों को हार्श वॉइस में बात करते, बिकॉज एज का एक डिफरेंस है। आप हो सकता है इस पर्सन से, जूनियर है, ये पर्सन आपसे सीनियर होगी। मुझे बहुत मैच्योर एनर्जी नज़र आ रहा है, ये पर्सन ट्रैवल करेंगे, हो सकता है आपके साथ शादी के बाद सेटल करेंगे दूसरी जगह पर, सिटी या फिर दूसरी किसी लोकेशन पे, बट आई डोंट नो, इनकी लाइफ में डेफिनेटली सडन कोई टावर मोमेंट, एंड जिसकी वजह से इनका लाइफ एक झटके में जैसे इनको मैच्योर कर दिया है लाइफ में, वो कहते हैं ना दुनियादारी। ओके, चलिए देखते हैं। थैंक यू। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, वर्थ वेटिंग फॉर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डिवाइन टाइमिंग एज इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, डिले हो गया आपकी मैरिज में, ट्रस्ट दिस सिचुएशन कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ये कनेक्शन जब आपकी लाइफ में आएंगे, आप उस टाइम फ्रेम में थोड़ी डिनाइल के मूड में हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट इशू होगी जैसे मैं शुरू में बोल रही थी, बट जब आप कनेक्ट कर जाएंगे देयर विल बी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एंड ये कनेक्शन को आप भूल नहीं पाएंगे। अगर शुरुआती दौर में थोड़ी रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी खिंचतान चल भी रही है, आप देखेंगे इस कनेक्शन को लेकर आप ड्रीम करना शुरू की, हो सकता है कि परिवार वालों ने कोई एक ना बोल दिया, फिर भी आप ड्रीम करना शुरू करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या कॉर्ड कनेक्शन आ रही है। दिस इज सोलमेट एंड नेक्स्ट दिस इज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। लुक दिस, एक पर्सन कितना घायल है इस कनेक्शन में, कोई एक पर्सन, दिस इज यू और मतलब आइदर यू और दिस पर्सन। तो यहाँ पर जैसे वो अपोजिट जो है वो डिवाइन काउंटर पार्ट उसको हील कर रहा है विथ एम्पैथी, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग, बट दिस इज योर सोलमेट। ओके, चलिए देखते हैं कुछ इनिशियल्स। थैंक यू, मैं क्लोजली आपको इनिशियल्स दिखाऊंगी। थैंक यू। आई डोंट नो बट ये बर्ड्स हैं। ओके, मैं चार्म्स नहीं देख रही थी, बट ओके थैंक यू। बर्ड्स को फीड करवाइए। ओके थैंक यू। TN, ओके TNFO FOA, एंट, मुझे ना एंट शब्द सुनाई दे रही है, एंट बहुत मेहनती है, एंड अपने वजन से भी दुगना वजन उठाने वाले। मैं आपको पहले बोल रही थी कि सबका वजन उठाने वाले, BDS डेंटिस्ट वगैरह हो सकते हैं। ओके ओके FSTIO, ओके AO, इंश्योरेंस सेक्टर में पर्सन हो सकते हैं। डी, लॉ फील्ड में। ओके इनिशियल्स। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3, होम यू विल मैरी, आपकी शादी किससे होंगी, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है, एंड डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट मंथ ईयर को ऐड कर जो होल नंबर आएंगे 369 में से हैं, और आपने अगर इंट्यूटिवली चूज़ की है दिस कार्ड। ओके, पैशन, ए मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय। सो आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होंगे, बहुत पैशनेट कनेक्शन, केमिस्ट्री आफ्टर मैरिड लाइफ केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। मैं थोड़ी इसको इस साइड में रख रही बिकॉज थोड़ी न्यूडिटी है कार्ड में। चलिए देखते हैं। थैंक यू। एथ हाउस, मेटामॉर्फोसिस, डेथ एंड रिबर्थ। ओके, स्कॉर्पियो हो सकता है पर्सन। ओके,
एंड जब आप दोनों की लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, मेटामॉर्फोसिस, मान लीजिए जॉब चेंज हो रही है, आप जॉब ज्वाइन कर रही है, पर्सन आपकी यू नो आपकी टाउन में आ रही है, आपकी लोकेशन में आ रही है ट्रांसफ़र होकर, तो कुछ ऐसे सिचुएशन, एक जॉब छोड़कर दूसरी, एक शादी टूट गई, मंगनी टूट गई, बहुत क्लोज आकर टूट गई, एंड इस पर्सन के साथ मुलाकात हो रही, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, कुछ ऐसा इवेंट जो एक्सपेक्टेड नहीं है बट हो रही है इस टाइम फ्रेम में, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, राइट। 8th हाउस जुपिटर, ऑप्टिमिज्म, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, पाइसिस एंड सजिटेरियस, बट कैंसर के भी एनर्जी आ रही है बिकॉज जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्ट हो जाते हैं। ये पर्सन मतलब ब्लेस्ड पर्सन होगी, गुरु इनकी सदवर में बली हो सकती है कुंडली में, एंड गुरु का गोचर, आपके चंद्र कुंडली से गुरु का गोचर इंपॉर्टेंट होंगे इस पर्सन से मुलाकात में। गुरु जब पाइसिस में हो या फिर कोई फ्रेंडली साइन में हो। थैंक यू लिलिथ। ओके, पावर, एक्टिविज्म एंड वेंजेंस। लिलिथ से यहाँ पर मतलब ए पर्सन आपके लाइफ, बिकॉज गुरु आया हुआ है, लिलिथ आया है एंड 8th हाउस, ये पर्सन के साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक सूत्र है इसका जुपिटर एंड स्कॉर्पियो से, एंड ए पर्सन हो सकते हैं आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा था। दूसरी है, ये जब आपकी लाइफ में आ रही है, ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी लाइफ में जिस चीज़ की अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट आपकी हुई है, वो धीरे धीरे ना, वो ऑटोमेटिकली कुदरत से ही जैसे आपको लगेगा कि वो अच्छा के लिए हुई है। एक पावरफुल एनर्जी, मतलब ऑटोमेटिकली इनकी ऊर्जा इतनी हाई होगी, जब आप देखेंगे बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत साधु संत व्यक्ति जो मतलब बरसों तपस्या करते हैं ना, वो अगर आपके आसपास भी है ना, तब भी आप एक सुकून सा महसूस करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, इनकी मतलब एनर्जी जो मुझे ना, मुझे मंगल का ऊर्जा दिखाई दे रही है, बट पॉजिटिव। मंगल का ऊर्जा नेगेटिवली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बट पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, दिस इज़ यस क्रिस, सेल्फ केयर, वेलनेस, एग्रीकल्चर। हो सकता है इनके परिवार में एंसेस्टर प्रॉपर्टी, कोई मतलब बहुत लैंड वगैरह इनके पास हो। इनके पास अगर नहीं है, इनकी माता पिता के पास है, तो इनकी भी हुई, तो हो सकता है कि इनका जन्म एक जगह पर हुई है, बाद में जाकर शायद टाउन सिटी एरिया में आकर सेटल्ड हुई है, बट आज भी वो जगह को या फिर कोई घर वगैरह है तो उसको टेक केयर करते हैं। ओके, मतलब इनके पास लैंड है। ओके, लैंड से, एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, ये पर्सन ना अगर अपना घर है तो रूफ टॉप में ना एकदम से एक बगीचा बनाना है, गार्डन, कुछ उस टाइप की एनर्जी इनका है, बिकॉज केरेस एंड जुपिटर एंड 8th हाउस, ये थोड़ी इस टाइप की चीज़ों पर इंटरेस्ट रखते हैं, फूल लगाना, यू नो वेजिटेबल्स लगाना, सीड लगाकर उसमें पेड़ पौधों में पानी डालना। ओके, दिस इज़ वाटर, रिफ्रेशिंग, मिस्टीरियस फ्लूइड। ओके, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर, एंड ऑलरेडी यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि जुपिटर आया है, कैंसर एनर्जी का वाइब्स एंड ऑलरेडी वाटर एनर्जी आई है। दिस पर्सन इज मिस्टीरियस, वेरी मिस्टीरियस, बिकॉज 8th हाउस एंड मिस्टीरियस, एंड दिस इज 9th हाउस, अगेन जुपिटर, जुपिटर एनर्जी, फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, हायर स्टडीज़ वगैरह, हायर डिग्रीज वगैरह होना, मार्केटिंग से जुड़ी हुई काम करना, जो MBA वगैरह करने के बाद कंपनी में जॉब वगैरह करते हैं ऐसा काम, और स्पिरिचुअलिटी, सोशल वर्कर हो सकते हैं पर्सन, हायर डिग्रीज वगैरह जो प्रोफेसर लेवल पे यू नो रिसर्च करने के बाद, प्रोफेसर PhD करने के बाद, ओवरसीज जर्नी इनकी हो सकती है, हायर डिग्रीज वगैरह होंगे इनके पास। चलिए देखते हैं फ्यूचर स्पाउस, इनकी पर्सनालिटी। थैंक यू, एंड में इनिशियल्स देखेंगे, एवेंजर, यस, डिजायर टू बैलेंस स्केल ऑफ जस्टिस, राइटियसनेस ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी एंड वन सेल्फ, बहुत मतलब आवाज़ उठाने वाली एनर्जी है, यू नो ये क्यों हुई, वो नहीं हुई, मतलब यू नो एक जस्टिस लवर पर्सनैलिटी, एंड ये इनके साथ यू नो ये घूमना पसंद करेंगे, ये शादी के बाद भी ये आपको लेकर बहुत घूमेंगे, मतलब इनको टूर ट्रैवल करना बहुत पसंद है, पहले अभी शायद सोलो जर्नी करता है, मतलब शादी के बाद ये घूमेंगे बहुत। गैम्बलर, यस, ये एनर्जी मंगल का है, विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू, ये अपराइट आया हुआ है। गैम्बलर का मतलब ये जुआ वगैरह ऐसा नेगेटिव कोई एडिक्शन है उसकी एनर्जी नहीं है, क्योंकि अपराइट आया हुआ है। ये पर्सन जिसको भरोसा करते हैं ना, आंखें बंद कर भरोसा करना चाहते हैं उसको, मतलब प्यार में ना ये यू नो थोड़ी चालाकी, थोड़ी आप यू नो थोड़ी ट्रिक स्टार के जैसे इनके साथ बिहेव करेंगे, जब जैसा तब तैसा, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, जो है वो, क्योंकि जुपिटर है, जो है वो क्लियरली बताओ, नहीं पसंद है वो भी बोलो,
बट छूट मत कहो, मैनिपुलेट मत करो एनर्जी को, क्योंकि ये एनर्जी ऐसा नहीं है। और अगर कभी इनको पता चला कि आप, मतलब आपको आंखें बंद करके भरोसा करेंगे, अगर आप पता चला कि आप सच में कुछ ऐसे कुछ छुपाया है जो सच में इनको जानना चाहते हैं आपकी पास्ट में, तो डेफिनेटली ये पर्सन रिश्ता तोड़ने वाले भी एनर्जी है। बिकॉज जुपिटर 9th हाउस ऐसी पर्सनालिटी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, जो है वो मुंह के ऊपर बोल देंगे। चाइल्ड वुंडेड एवोकेंस कंपैशन और डिजायर टू सर्व अदर वुंडेड चिल्ड्रन, ओपन द लर्निंग पाथ फॉर फॉरगिवनेस। बचपन में माँ का गुजर जाना, बचपन में पिता का गुजर जाना, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इनके ऊपर हो सकता है, इन्होंने लिया है। बचपन में ऐसे परिवेश में इनकी, मतलब इनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई, जो सिचुएशन बहुत, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है या फिर बहुत वेलकमिंग नहीं थी, बहुत अच्छी तरह से इनका चाइल्डहुड प्रेयर नहीं गई होगी, बहुत फन सेलिब्रेशन में नहीं गया होगा। दैट्स वाई ये आज भी चाहते हैं कि जो मैंने, जो इन्होंने यू नो जो लाइफ में स्ट्रगल की, खासकर चाइल्डहुड प्रेयर में, कुछ कर जाना चाहते हैं बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है मैं, अगेन कह रही हूँ, जुपिटर इज़ अ फिलोसोफर, इज़ अ गाइड, इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। आप खुद देखेंगे जब ये फेसबुक में, इंस्टा में अगर है तो इनका, आप क्योंकि एक पर्सन को देखने की क्या तरीका है, क्या कैसा है वो पर्सन, आपके साथ कैसा ट्रीट करता है वो तो है ही, वो पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कैसा ट्रीट करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो आपके साथ अच्छा है, कल को वो नहीं भी होगा। दूसरी है ए पर्सन की, अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे ना, तो इनका स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई आप पोस्ट देखेंगे। अगर इनकी एनर्जी में आपको बहुत सिडेक्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है या फिर उनकी पोस्ट में, तो दिस इज़ नॉट योर पर्सन। कि पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता है, रूट्स बहुत डीप है, परिवार वाले ऑर्थोडॉक्स नेचर थोड़ी हो सकते हैं कि इसको तुमको भी मेंटेन करना है शादी के बाद, तो इस टाइप की एनर्जी है। कोर्ट हाउस लॉ से जुड़े कुछ काम हो सकते हैं। पाथ हुए बहुत डिले में यहाँ पर मैरिज हो सकती है, बट दिस इज़ योर लवर। कुछ व्यूअर्स के लिए लव का मैरिज मैरिज होगी, क्योंकि आप एक कनेक्शन में, कॉर्ड कनेक्शन में, इट्स अ सोलमेट और ट्विन फ्लेम, कॉर्ड कनेक्शन में है, तो मैरिज थोड़ी डिले होगी कुछ व्यूअर्स के लिए। आप सिंगल मदर, सिंगल फादर या फिर ए पर्सन है कुछ व्यूअर्स के लिए, बाकी के लिए पर्सन हो सकते हैं कि लॉ, कोर्ट हाउस से जुड़े कुछ काम करता है, जस्टिस सिस्टम से जुड़े कुछ काम करता है। पाथ हुए बहुत रफ रिजिड पाथ, बहुत एज में आकर मिलना, बहुत डिले में मिलन, मतलब यूनियन हो रही है, बट रिमेंबर दिस इज़ योर लवर। एंड कबूतर को फीड करवाइए, ये आपके लिए पॉजिटिव होंगे। ओके लेट्स सी, देखते हैं कौन होंगे पर्सन। दिस इज़ किंग ऑफ वॉइसेस, दिस इज़ किंग ऑफ शॉर्ट्स, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स एंड अवेकनिंग, दिस इज़ रिजरेक्शन, रिबर्थ। इनकी लाइफ में एक फैमिली टूटी है माय डियर, आई डोंट नो, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, या फिर इनका पास्ट में शादी वगैरह हुई थी, या फिर बहुत क्लोज आकर रिलेशनशिप टूट गई, ब्रेकअप वगैरह हुई, एंड देन दैट्स वाई ये पर्सन बहुत मैच्योर हो चुका है। बिकॉज किंग ऑफ वॉइसेस, दिस मतलब एक्सपीरियंस है इनके पास, एंड अवेकनिंग मतलब ये पर्सन जानते कि ब्यूटीफुल लेडी या फिर बहुत हैंडसम पर्सन है ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत जो है एक प्योर सोल की, क्योंकि कैंडल लाइट डिनर, हनीमून, एवरीथिंग सब कुछ चले जाएंगे। What would be left at the end of the day, that is the pure relationship. And a person बहुत matured है, age difference है। अगर आप female हो तो person बहुत senior है आपसे, मुझे थोड़ी सटन का energy आ रही है, senior है person। And ये person इस time frame में, मतलब ये person जैसे रोया है life में, उन्होंने बहुत ज़्यादा family या फिर family members का death हो जाना, unexpectedly, accidentally, accidental death, एक sign हो सकती है आपके लिए पहचानने में। और कोई पर्सन बेड में है, हेल्थ वाइज कोई बेड में, एकदम पैरालिटिक कोई अटैक हुआ था, एकदम बेड में है कोई इनका पेरेंट्स, एक पेरेंट्स, वन ऑफ हिज पेरेंट्स। ओके चलिए देखते हैं, थैंक यू। फाइव ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कफ्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। इनकी काम काज को लेकर बात करें, ऐसा काम करते हैं जहाँ पर बॉस जो है टिक टिक करते रहते हैं, यू नो प्रेशर है, कोई कंपनी, जैसे मैं आपको बोल रही, कोई कंपनी में जॉब करना बहुत ह्यूज प्रेशर है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है दिस इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो अपने पैशन को लेकर, व्यूअर्स की पार्टनर पैशन को लेकर कुछ काम करें, बिजनेस कंसल्टेंट, इवेंट मैनेजर,
एंड यू नो शेफ, यू नो उससे जुड़ी खाना या फिर पैशन से जुड़ी क्रिएटिविटी, क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस, इससे जुड़ी कोई चैनल, कोई कोचिंग सेंटर वगैरह ओपन करें, खुद का कोई कोचिंग सेंटर वगैरह हो सकते हैं, स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं पर्सन, बिकॉज गाइड मेंटर, बिकॉज ऑफ एज ऑफ कप्स गाइड मेंटर गुरु का एनर्जेटिक राइटर हो सकते हैं पर्सन. ओके थैंक यू. चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस. इनमें इनिशियल्स देखेंगे, रोमांटिक फीलिंग्स, यस योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होंगे आप दोनों के बीच. चिल्ड्रन एंड दिस इज प्लेफुलनेस. मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए कि सिंगल मदर सिंगल फादर इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में. एंड शुरुआती दौर में या फिर ये पर्सन का डिवोर्स वगैरह हुई है, कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए. अदरवाइज अगर मैं कहूँ चिल्ड्रन एक बर्थ की बात करता है, तो ऐसा अनुभव आपने कभी नहीं कि इस फीलिंग्स में, इस जीवन में जो पर्सन आपको फील करवाएंगे. ये कनेक्शन में बहुत मजाक करना, यू नो एक दूसरे को चिढ़ाना, मनाना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आफ्टर मैरिड लाइफ. ओके चलिए देखते हैं क्या कनेक्शन है. दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन लियो हियर. इज अ वेरी स्ट्रांग, बहुत लंबा नहीं होगा, मीडियम हाइट मुझे नज़र आ रही है. ओके बट दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नज़र आ रही है. बट डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब डिवाइन फेमिनिन मौजूद है, तो इसे इन एंड यंग कनेक्शन, सेरेंडिपिटी, लॉन्ग टाइम सिंगल रहना होगा. हो सकता है आप विदेश सफर में जा रही है, आप ट्रेवल करें, आपका रिलोकेशन हो रही है, ए पर्सन आपकी टाउन में आ रही है, आपकी सिटी में आ रही है, तब ए पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो रही है. चलिए थोड़ी इनिशियल्स देखते हैं. थैंक यू इनिशियल्स. थैंक यू. ओके मैं क्लोजली आपको दिखाऊंगी. ओके ओके बहुत आर आई है, आई डोंट नो, एंड छोटी सी एक बर्ड आई है, बर्ड. ओके लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, सोशल मीडिया चिटचैट, बर्ड से ना मुझे ट्विटर चिटचैट. ओके आर आई ए ए आई. ओके कोई शब्द फॉर्म हो रही है तो देखते हैं. ए ओ इंश्योरेंस सेक्टर. ओके ए ओ पी ई आर एस एस. ओके ए एस आई. ओके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, पुलिस, मिलिट्री आर्मी, पुलिस फोर्स में हो सकते हैं. लॉ, रूल, रेगुलेशन जहाँ पर मेंटेन होते हैं. डब्लू थैंक यू. यू आई लव यू, मुझे यहाँ पर मतलब ये पर्सन बोलेंगे आपको. डब्लू ई. ओके क्यू आई ओ एस एन. शुरुआती दौर में कनेक्शन को लेकर थोड़ी नो नो हो सकती है. नो 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 पॉसिबल नहीं, कंपैटिबिलिटी का डिफरेंसेस है. एस एंड यूएसए. यूएसए लॉन्ग डिस्टेंस आउट ऑफ कंट्री से कुछ व्यूअर्स के लिए. ओके यूके इनिशियल्स. थैंक यू सो मच. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू.